झंझट? शादी झंझट नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तुम्हारी शादी होगी, लाइफ पार्टनर होगा, जिंदगी के मसले मसाइल को समेटने में हौसला देती है बीवी। अच्छी लगती है जिंदगी बेटा किसी के साथ। टेक योर टाइम, अच्छी तरीके से सोचो। बेटी कहने से कोई बेटी नहीं बन जाता, अपना खून अपना ही होता है, और ये बात सुहा ने मुझे अच्छी तरह से समझा दी है। वो लड़की इस घर को एक बार बर्बाद कर चुकी है और मैं उसे ये मौका दोबारा नहीं देना चाहती। मॉम कभी नहीं मानी, इनफैक्ट वो मेरी किसी और से शादी कराना चाहती है, लड़की भी ढूंढ ली है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं, तुम्हें अपना खोया हुआ मकाम जरूर मिलेगा। ज्यादा खुशफहमी मत पाले अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजता आंटी रेहान की शादी के लिए लड़की देख चुकी है। हमारी रिहाब बीमार है और सोहा उसका बेहतर ख्याल रख सकती है। जिद मत करो, जाने दो उसे। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मेरे नाम पे दो रूम्स बुक होंगे रेहान बेग। जी सर आपके नाम पे एक रूम बुक है, मिस्टर एंड मिसेस रेहान बेग, एक स्वीट रूम बुक है, ये उसकी कीज है। ये तो एक कमरे की चाबी है, मेरे दो रूम्स बुक हैं। जी सर आपके नाम पे तो एक ही रूम बुक है। I'm sorry, there must be some sort of misunderstanding. मेरे मैनेजर ने दो रूम्स बुक कराए थे। जी सर आपके नाम पे तो एक ही रूम बुक्ड है। अच्छा चलें आप एक और रूम बुक कर दें। सर हमारे पास डॉक्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसकी वजह से सारे रूम फुली पैक्ड हैं। एक भी रूम नहीं है आपके पास? जी सर बिल्कुल रूम खाली नहीं है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। चलें हम कहीं और देख लेते हैं। थैंक यू सर। सीजन की वजह से सारे होटल्स गेस्ट हाउस पैक्ड हुए हैं, आपको कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं हो। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो ये भी रूम मुझे किसी और को देना पड़ेगा। रेहान हम सुइट में एडजस्ट कर लेंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी हम कहाँ जाएंगे बाहर? ये कमरा दे दें प्लीज। थैंक यू। तुम एक काम करो, तुम रूम में चले जाओ, मैं रिहाब और मेट लेकर आता हूँ। ठीक है इंसान के अपने अमल अच्छे ना हो तो उसे किसी की दुआएं भी नहीं लगती। क्यों मांगती रहती हो हर वक्त सोहा के लिए दुआएं? सोहा के लिए नहीं, रहाब के लिए दुआ मांग रही थी। उसकी जिंदगी के लिए, उसकी सेहतयाबी के लिए हाथ फैलाए थे मैंने। क्या हुआ रहाब? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है।
और जिस सुहा की आप बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं, वही है जो उसे इस मुश्किल वक्त में संभाल रही है। उसकी लाश की खातिर वो दूसरे शहर तक चली गई। 10,000 नौकर चाकर है घर में, चाहती तो ना जाती, कोई भी जा सकता था, लेकिन सोहा को ये गवारा नहीं था कि बीमारी की हालत में रहा किसी और की गोद में रहे। उसने ये नहीं सोचा उस वक्त कि उसका खून का रिश्ता है या नहीं। नयान के घर वाले इस वक्त उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, सब कुछ भूल भाल के उसके इलाज के लिए परेशान फिर रही है। जहां से बेनियाज होकर सिर्फ उस बच्ची के बारे में सोच रही, मगर अफसोस कि कोई उसके बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर साहब, आई एम इन द सेम होटल। जी जी, अच्छा, जस्ट अ सेकंड डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ पीस ऑफ पेपर? थैंक यू। हाँ जी, ओके। जी जी डॉक्टर साहब, आई हैव ऑल द रिपोर्ट्स विद मी राइट नाउ। हाँ जी, ठीक है, ओके, डन। कब? ओके, डन डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। Excuse me, can I have this piece of paper? अब तंग नहीं करेगी। असल में इसके सोने का वक्त है ना, इसलिए थोड़ा परेशान कर रही है। लाइफ जी मुझे दे देना, आप क्यों परेशान हो रही है, मैं संभाल लेती हूँ इसको। इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है, मुझे रहा आपके सारे काम खुद करना बहुत पसंद है। अब यही तो है मेरे जीने का मकसद। आपको तो सगी माँ से भी बढ़कर इस बच्ची से मोहब्बत है। माँ की कमी जिंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और ये बात मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। तुम्हें पता है मुझे भी मेरी खाला ने पाला है, मतलब रिहाब की नानी ने। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि रिहाब को भी उतना ही प्यार करूँ जितना वो मुझसे करती है। दुनिया में माँ के बगैर माँ जैसा प्यार मिलना बड़े ही नसीब की बात है। बड़ी खुशकिस्मत है ये बच्ची। तुम एक काम करो, रिहाब को रूम में ले जाओ, थोड़ा सेटल करो और फिर सुला दो, ठीक है? ये लो। वैसे माहम क्या सोचा तुमने, अदनान भाई के साथ हनीमून पे कहाँ जा रही हो? सोहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। माहम, बहनों में कोई बात पर्सनल नहीं होती। जिस तरह हम लोग एक दूसरे की ज्वेलरी, कपड़े, परफ्यूम सब कुछ शेयर करते हैं ना, इसी तरह पर्सनल लाइफ तो शेयर की जा सकती है। लेकिन मैं नहीं बता रही। मत बताओ, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने पता है क्या सोचा है, मैं अपनी शादी के बाद हनीमून पर पाकिस्तानी नॉर्दर्न इराज जाऊंगी। यार हमारा पाकिस्तान कोई स्विट्जरलैंड से कम खूबसूरत है। कितनी प्यारी प्यारी जगह है ना, हुंजा, नरान, कागान, नथिया गली, मरी, बारिश, बर्फ, सर्दी, कितना मजा आएगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें किससे कहा तुम्हारी शादी सर्दियों में होगी? हो सकता है हम तुम्हारी शादी जून जुलाई की गर्मियों में कर दें। ऐसे कैसे गर्मियों में कर दें? मैं गर्मियों में शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं शरारे पहन के, मेकअप करके स्टेज पे दुल्हन बन के बैठ सकती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। कैसी बातें करती हो ना तुम, मेरी जान सोहा, ये सारे किस्मत के खेल होते हैं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता।
क्यों कुछ नहीं होता? तुम देख लेना, अपनी शादी का तो हर इवेंट में खुद से मैनेज करूंगी, कपड़े ज्वेलरी मेकअप सब कुछ खुद। एंड आई मेक श्योर कि मेरी शादी सर्दियों में हो, तुम्हें जरूर याद दिलाऊंगी। अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन बिल्कुल पागल है। वो तो मैं हूँ, और तुम देख लेना इसी पागलपन की वजह से ना मैं हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कॉल ले लूं? ले लो, बाकी चाव रख कर भी आ जाना। ज्यादा काम चोरी मत करो, ओके? रख कर तुम आओगी। नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी सगी बहन नहीं, तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ खून के रिश्ते सगे होते हैं। जो रिश्ते खुलूस और एहसास पे बने होते हैं ना, वो एक कच्चे घड़ी की तरह होते हैं जो कभी भी आपका साथ छोड़ दे। ऐसा नहीं है मां, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनोगे? तुम्हारे मुंह से निकला एक अल्फाज भी उस तलखी को कम कर सकता जो मेरे दिल में उतर गई है, या उस दुख अज़ियत को जो अम्मी अब्बू को सहना पड़ेगा। तू कैसे इतनी खुदगर्ज़ हो गई, कैसे इतनी गिर गई तुम? निकाह जैसे रिश्ते की जो अहमियत होती है तुम्हें उसका अंदाजा भी है या नहीं? सुहा तुम प्लीज वहां जाके सो जाओ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। रिहाब वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल होगी, प्लीज। ठीक है। और हाँ, सुबह हमने डॉक्टर के पास जाना है, अर्ली मॉर्निंग। चाय नहीं पी? दिल नहीं कर रहा। देखो, आई नो कि तुम रिहाब की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो रिहाब को कैसे संभालोगी? आप प्लीज मुझे फोर्स मत करें। जब तक रिहाब का चेकअप नहीं आ जाता और कोई अच्छी खबर नहीं आती ना, मैं कुछ भी नहीं खा पी सकती। हम कितनी देर में निकलेंगे यहाँ से? बस जैसे ही ड्राइवर आता है निकल जाएंगे। लो, कॉल आ गई। हाँ जी, ठीक है जी, हम आ रहे हैं मेन फ्रंट में। मैं रिहाब को लेके आती हूँ। बच्ची की रिपोर्ट्स और टेस्ट वगैरह देख लिए हैं। आप लोग बिल्कुल सही वक्त पर बच्ची को मेरे पास लेकर आए।
एक्चुअली ये डिजीज बहुत रेयर किस्म की है, 100 में से 1 बच्चे को हो सकती है। जहां तक आपकी बच्ची रिहाब की बात है, ये डिजीज अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। मैं रिहाब को 24 आवर्स के लिए एडमिट कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे मजीद कुछ टेस्ट लेने होंगे। डॉक्टर साहब आप जहाँ भी कहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने का कहेंगे, मैं उसे ले जाऊंगा एज लॉन्ग एज उसकी तबीयत ठीक हो जाए। आई डोंट थिंक सो, इसको कहीं और ले जाने की जरूरत है। मैं अभी 2 वीक्स के लिए पाकिस्तान में हूँ, 1 हफ्ते मजीद इसकी प्रोग्रेस देखते हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आप इस तरह कीजिए कि फर्दर डिटेल के लिए रिसेप्शन से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप कहते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर आशय, ऐसे आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अरे मामले में मैं इतना ही इमोशनल? हाँ, लेकिन उस बंदे की कोई गलती नहीं थी, जानबूझ के नहीं टकराया था, वो गलती हो गई उससे। तुमने तो बिला वजह उसे इतनी सारी बातें सुनाई। शुक्र करो कि सिर्फ बातें ही सुनी, वरना जो उसने हरकत की थी ना, उस पर तो उसकी वही सड़क पर पिटाई होनी चाहिए थी, ताकि आगे से किसी लड़की से टकराने की उसकी हिम्मत ना हो। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? मोहब्बत जज्बात से ही तो जुड़ी हुई होती है। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठा मैं, पागल पागल हो बैठा। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठा मैं, पागल पागल। बीवी तो बन जाएगी, मगर रिहाब की मां नहीं बन सकेगी। क्यों नहीं बन सकेगी? दुनिया में अच्छी लड़कियां भी हैं। हर लड़की सोहा नहीं होती जिसे अपने अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। जिया एक अच्छी लड़की है, सीमा बहुत तारीफें करती है उसकी। आप लोग आइए ना। आओ बेटा, आओ आओ, आइए आइए, बैठो बेटा। सब खैरियत तो है ना? आप लोग इस तरह अचानक? जी जी बिल्कुल सब खैरियत है, बस आप लोगों से इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि चलकर एक मुलाकात कराएं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे ये आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाए। आंटी वलीद नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं इसलिए आया था कि आज संडे का दिन है, तो उससे मिल लूंगा। कहाँ है वो? दरअसल बेटा वो ऑफिस में ना काम बहुत ज्यादा है, तो आज संडे वाले दिन भी वो ऑफिस ही गया हुआ है ताकि उसका काम निमट जाए। भाई बहुत काम करता है आपका बेटा, मुझे तो लगता है शादी के बाद मेरी बेटी उससे बात करने के लिए भी तरसेगी। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शादी की बात तो जाहिर है उसे अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, कर लेगा वो। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा,
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल में हम लोग इसी सिलसिले में तो बात करने आए हैं आपसे। जी बोलिए। दरअसल आंटी हम लोग चाहते हैं कि वलीद और शफक का निकाह कर दिया जाए। और अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती और अम्मी चाहती हैं कि शफक जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। बहन जिंदगी और मौत का वैसे भी कुछ भरोसा नहीं है, न जाने कब सांस की डोर रुक जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द शफक को दुल्हन बने हुए देखें। और आप मेरे जज्बात समझती होंगी, आपने भी तो अपनी बेटी ब्याही है। मैं तो चाहती थी कि दोनों भाई बहन का साथ ही रिश्ता हो जाए, मगर आपके बेटे की ख्वाहिश थी कि पहले वो बहन के फर्ज से आजाद होना चाहता था, तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ जिद नहीं। लेकिन अब तो मैं अपनी बात मनवा कर रहूंगी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बस फिर आंटी आप वलीद से बात करके कोई भी डेट फिक्स कर लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा ताकि हम उसी हिसाब से अपने शादी के इंतजाम पूरे करें। ठीक है बेटा, मैं वलीद से बात करके तुम्हें बता दूंगी। आप लोग बैठिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अभी आइए। मुझे सुहा से मिलना है। बीबी जी घर पे नहीं है। मैं वेट कर लेता हूँ। वो रियान साहब के साथ शहर से बाहर गए हुए। शहर से बाहर गएंगे? कहाँ? ये मुझे पता नहीं। आप रुके, मैं बड़ी बीबी जी को बताता हूँ। नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगा। तुम्हारे वहां होने से मेरे दिल को बहुत तसल्ली है बेटा। और जब से रहा आपकी बीमारी का सुना है ना, मेरे तो दिल को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। आप परेशान मत हो अम्मी, रहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स ने काफी उम्मीद दिलाई है हमें। अभी कुछ दिन यहीं पर रुकेंगे हम लोग। रात में हम लोग वहीं पर ही होते हैं हॉस्पिटल में। रेहान और मैं बस अभी निकल ही रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। कोई परेशानी नहीं है बेटा, जितने दिन चाहे रुको वहाँ, बस रहाब ठीक हो जाए। और रयान कैसा है? वो भी तो काफी परेशान होगा उसके लिए, है ना? जी। बस बेटा, मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि रयान का दिल तुम्हारे लिए नरम कर दे, तुम्हारा घर बस जाए बेटा। उजड़े घर बसते हैं अम्मी, लेकिन उजड़े दिल नहीं बसा करते। फिर मैंने तो रेहान का दिल तोड़ा है, वो कैसे मेरी तरफ मायल हो सकते हैं? मैं फैसला कर चुकी हूँ अम्मी, एक बार रेहान ठीक हो जाएगी ना, मैं उस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं वहां नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरी वहां कोई जगह ही नहीं है। मैंने इतने लोगों का दिल दुखाया, मैं सिर्फ किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं सारी रात हॉस्पिटल में थी, अगर तुम रेस्ट करना चाहती हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं तो रेडी हूँ, रिहाब के पास ही चलते हैं। Are you sure? मैं अकेला जा सकता हूँ हॉस्पिटल? नहीं नहीं, रिहाब के बगैर कैसे दिल लगेगा मेरा। 10 मिनट में निकले। जी Thank you.
प्लीज आप मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दे रेहान। मेरी किस्मत कितनी खराब है जो तुम जैसी सेल्फिश इंसान को अपना दिल दे बैठा। खुद बुरा बनना नहीं चाहती, मुझे ही सबकी नजरों में गिराना चाहती हूँ। क्योंकि ये निकाह आपके सार और जल्दबाजी का नतीजा, तो इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मगर दिल तोड़ने का तजुर्बा सिर्फ तुम्हारे पास है। घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं वहां नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरी वहां कोई जगह ही नहीं है। मैंने इतने लोगों का दिल दुखाया, मैं सिर्फ किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। तुम्हें जो ठीक लगा था वो तुमने किया। मेरी मर्जी के बगैर सुहा को तुम इस घर में ले आए। अब जो मुझे ठीक लगेगा ना वो मुझे करने दो। मॉम आप एक सेकंड रिहाब के बारे में तो सोचें। अच्छी खासी एडजस्ट हो गई है वो सुहा के साथ, अब किसी और मेड को लाके उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? इसीलिए ताकि वो उसकी आदी ना हो जाए। बच्चे के लिए माँ का रिप्लेसमेंट नहीं होता मॉम। वो उसकी माँ नहीं है। अगर माँ की बहन तो है। वलीद, मेरे आज तुम्हारे ससुराल वाले आए थे, कह रहे थे कि शफक का और तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। तुमसे मशवरा करके कोई दिन और तारीख बता दें उन्हें। मना कर दें उन्हें, मैं फिलहाल इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बेटा वो निकाह ही तो करना चाह रहे हैं भी। न शादी न निकाह, कुछ नहीं करना मुझे। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या सारी जिंदगी कंवारे बैठे रहोगे? उस लड़की के लिए जोग ले लिया क्या तुमने? कहां जा रहे हो? मेरी बात का जवाब तो दो। मैं आपको जवाब दे चुका हूं, आप 10 बार भी पूछेंगी तब भी मेरा जवाब यही होगा। वलीद, वलीद मेरी बात तो सुनो। वलीद, क्या हो गया इस लड़के को? पता नहीं क्या करना चाहता है। Thank you.
कभी कभी इंसान को खुश रह लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता। And you know what? पैसे भी नहीं लगते खुश रहने के। गलत कह रहे हैं हम। कभी कभी जिंदगी खुशियों की बहुत भारी कीमत वसूल करती है। जिंदगी जब कुछ छीनती है ना, तो बदले में बहुत कुछ देती है। बस इंसान को इतना समझदार होना चाहिए कि जो उसने खोया वो अहम था, क्या जो पाया वो कीमती था। ये कहाँ रह गया मेरा बच्चा? अहला उसे बाहिफाजत घर लिया। अहला तो जानता है कि कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकती। मैं तो हमेशा उसके अच्छे के लिए कहती, उसका अच्छा ही सोचती हूँ। पता नहीं उसे क्यों बुरा लगता है। और रात भर से कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं। उसका लामिया उसको साथ खैर के घर वापस भेज दे। अल्लाह उसे घर वापस भेज दे। अल्लाह तू रहम कर, करम कर दे मेरे मालिक। बस इसी की कसर बाकी रह गई थी। आज तुम इतनी सुबह वापस आ रहे हो, कल को पता नहीं घर भी आओगे कि नहीं। और भी क्या क्या कुछ कर रहे हो मुझे कुछ नहीं पता ना। वलीद, कितने अरमानों से पाला था तुम्हें, क्या क्या सोचा था तुम्हारे बारे में कि तुम बड़े हो गए तो मेरे दिन बदल जाएंगे। लेकिन यहां तो तुम ही बदल गए हो बेटा। ऐसी होती है औलाद, ऐसा होता है बेटा। जो मां की परेशानी बांटने की बजाय मां की परेशानी का सबब बन जाए, ऐसा क्यों नहीं करते? एक ही बार मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? रोज रोज की इज्जत से तो जान छुटेगी मेरी। संभाले खुद को अम्मी। आप कैसे संभालूं? मैं कैसे संभालूं बताओ मुझे? जिस माँ का जवान बेटा उसका सर फखर से बुलंद करने की बजाय उसके लिए भाई से शर्म बन जाए, वो माँ क्या करेगी? एकदम से तुमने निकाह से इनकार कर दिया। बताओ मैं कैसे जाके इनकार करूं वहां पर? मैंने अपनी बेटी उस घर में दी हुई है, उनकी बेटी के लिए निकाह से कैसे इनकार कर दूं मैं? तुमने एक मिनट के लिए भी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचना जानते हो और किसी के बारे में नहीं। तो क्या चाहती हैं आप? शफक से निकाह के लिए हाँ कर दूं? ठीक है, करें आप तैयारी, कर लेता हूं मैं शफक से निकाह। बस खुश हैं अब आप? जी बिल्कुल तकल्लुफात ना करें आप, हम तो किसी रोज भी चले आएंगे, ऐसी चाय पी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, मैं बेग साहब को भी लेके आऊंगा। ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे जारा, तुम कहाँ गायब हो गए भाई? ना तुम दोबारा आई? बैठो, तुम्हें तो जिया की फैमिली को लेकर आना था, तुम उनको भी लेकर नहीं आई। मैं क्या दिया बेटा, मुझे तो अपने भाई के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे वाकई नहीं पता, क्या कह रही हो? रेयान ने जिया से शादी के लिए इनकार कर दिया है, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। What?
नहीं, ऐसा नहीं हुआ गा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। रियान ने खुद कहा है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, और मेरे भाई भी कितना नाराज हो रहे थे ये सुनकर कि मैं उनकी बेटी की ऐसे लड़के से शादी करवा रही हूँ जो किसी और में इंटरेस्टेड है। वो तो मैंने उनसे ये कह के जान छुड़ा ली कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, वरना तो पता नहीं क्या होता। और रियान की निकाह वाली बात तो अभी उन पे खुली भी नहीं है, वरना तो शायद सारी जिंदगी मेरी शक्ल ना देखते वो। रियान ऐसे कैसे कर सकता है? मोहब्बत बहुत कुछ करवा लेती है राजदा। रियान की कहीं और शादी करने से पहले ना तुम्हें उसके दिल से सुहा को निकालना होगा। तुम रियान की जिंदगी से उसे निकाल भी दो, उसके दिल से कैसे निकालोगी? वो आज भी उसके दिल में है।